बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड में आज हम प्लॉट कमांड पर डिस्कशन करेंगे। तो प्लॉट कमांड हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी ड्राइंग को पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी या पीएनजी या किसी और ऐसे फॉर्मेट में सेव कर लें या कन्वर्ट कर लें जो कि इजीली लोगों के पास अवेलेबल हो, ताकि इजीली हम उसकी प्रिंट ले सकें। क्योंकि लोगों के पास ज़्यादातर ये कैड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो हमें अगर इसकी प्रिंट चाहिए तो हम या तो पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे या जेपीजी में या किसी और फॉर्मेट में। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ प्लॉट कमांड की तरफ। अच्छा, तो प्लॉट कमांड की शॉर्टकट की जो है तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है PLOT। प्लॉट कमांड जब मैंने लिखी तो यहाँ पर एक विंडो आ गई। अब जब विंडो आ गई तो इस विंडो में मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले मैं इसको ड्राइंग से पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। ये ड्राइंग से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, मींस के मेरी जो फाइल है वो पीडीएफ में अब कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है, डिफरेंट पेजेस अवेलेबल है। मैं आऊँगा ISO A4 की तरफ, मुझे यहाँ पे ISO A4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ISO A4 ढूँढ लूँगा या डायरेक्टली आप दे सकते हैं ISO A4। अच्छा, A4 साइज़ पे मुझे प्रिंट चाहिए, आप A3, A2, A0, A1 इसी तरह के पेजेस पे भी आप कर सकते हैं ISO A4। तो यहाँ पे ये आ जाऊँगा मैं, ये दो फॉर्मेट्स अवेलेबल है, आपको लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, तो आप कोई सा भी पिक कर लें, मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ। अच्छा, फिर मैं डिस्प्ले में आता हूँ। डिस्प्ले में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विंडो सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये मैंने विंडो सेलेक्ट कर दी, तो यहाँ पर अब मैं दे सकता हूँ कि मेरी जो पेज है A4 उसमें सिर्फ इतनी विंडो शामिल होनी चाहिए। और फिर मैं सेंटर द प्लॉट करता हूँ कि ये जो मेरी प्लॉट है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए। फिर मैं आता हूँ इस प्रीव्यू की तरफ, तो मैं प्रीव्यू को क्लिक करूँगा ताकि ये किस तरह मेरे पेज पे आएगा। तो ये देख ले, ये आपके पेज में इसी तरह आ जाएगा। अगर आपको ये पसंद है एस्केप कर लें और फिर यहाँ पर ओके कर लें। ओके कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपकी ड्राइंग वन मॉडल। तो यहाँ पे आप दे दें फॉर एग्ज़ाम्पल assignment1.pdf। अब आपको जिस लोकेशन पे चाहिए, डेस्कटॉप पे चाहिए, ई में, एफ में, या जहाँ पे भी आप चाहिए वही आप अपनी लोकेशन दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे सेम बस डेस्कटॉप पे ही चाहिए, assignment1 PDF सेव कर लूँगा। तो ये यहाँ पे अब PDF में ये जो मेरी फाइल है ये सेव हो गई। अच्छा जी, तो एक प्लॉट कमांड आप प्लॉट से भी कर सकते हैं, आप Ctrl P से भी कर सकते हैं। तो ये Ctrl P से मैंने दे दिया नेम, तो यहाँ पे नेम में आप क्या करेंगे, ड्राइंग टू DWG टू PDF, फिर आप ISO A4, आप किसी भी पेज पे कर सकते हैं जो पेज आपको चाहिए। तो मैं ISO A4 पे आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक्सटेंड पे चाहिए कि जितनी मेरी ड्राइंग है उसके मुताबिक आप ख़ुद पिक कर ले। सेंटर दी प्लॉट प्रीव्यू, तो आप यहाँ पे देख लें, अगर प्रीव्यू पे मसला आ रहा है तो आप क्या कर लें, मैं विंडोज़ पे आ रहा हूँ तो विंडोज़ मेरे लिए ठीक रहेगा कि मुझे जितनी भी ड्राइंग चाहिए सेंटर द प्लॉट प्रीव्यू। तो ये अब आपकी ड्राइंग है, आप सेव करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से भी आप दे सकते हैं, यहाँ से सेव कर लें, ड्राइंग वन मॉडल नाम चेंज कर लें। अच्छा, फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपकी क्लासिक है तो क्लासिक में ये फाइल होगा, अगर क्लासिक नहीं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इसको, एक्सपोर्ट टू PDF या डिफरेंट ये चीज़ें अवेलेबल है, तो PDF में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप सेव कर ले जो 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 चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वही विंडोज़ है, आप ये मैंने विंडो सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ से आप भी आप सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये अब आपकी सेव हो गई डायरेक्टली। अच्छा, अगर आप लोग काम कर रहे हैं अपनी ऑटोकैड क्लासिक पे तो ऑटोकैड क्लासिक में किस तरह करेंगे, सेम आपकी प्लॉट कमांड है, सॉरी प्लॉट कमांड है, तो प्लॉट कमांड भी दे सकते हैं, Ctrl P भी दे सकते हैं, या अब आप यहाँ पे फाइल पे आ जाए तो फाइल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है तो प्लॉट या Ctrl P, और सेम वही चीज़ें हैं वही आपने करनी है। तो ये जो लेक्चर था ये था कि आप किस तरह अपनी ड्राइंग को PDF में या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे।